हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं जेपी गोस्वामी, योर टीचर, केमिस्ट्री टीचर, फिजिक्स टीचर। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों हमारे जितने भी ज़्यादातर वीडियो हैं वो नोट्स बेस्ड वीडियो है। नोट्स बनाइए, लिखिए, याद करिए और वीडियो रन करके उसे वॉच करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। शुरू करते हैं चैप्टर 6, थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन दोनों पढ़ाया जा रहा होगा तुम्हारी क्लास में। थर्मोडायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी है, द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस एंड केमिकल सब्सटेंसेस ओनली, द रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इसमें केमिकल्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट वेदर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। सेकेंड, इट हेल्प इन प्रोसीडिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। नंबर थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट लॉज लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एटसेट्रा। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस ये है, नंबर 1, इट हेल्प टू प्रोडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट एट विच द प्रोसेस टेक प्लेस। सेकेंड, इट डील्स ओनली विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेस, ये बताता नहीं है। नंबर थर्ड, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा ऑफ मैटर इन बल्क। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है ये, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक के बारे में बताता है। द कंप्लीट स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन 3 जनरेशन जनरलाइजेशन कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉज। पूरी थर्मोडायनामिक्स 3 लॉज पर डिपेंड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर। अब पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स टर्म, इसमें कौन कौन से टर्म आने वाले हैं, क्योंकि तो अगर आपको टर्म्स की डिटेल नहीं पता होगी तो समझ में कुछ नहीं आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसमें एक टर्म आएगा सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा इज कॉल्ड सिस्टम। जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस जितने पार्ट के बीच में, वो सिस्टम है और उसके अलावा सारा सराउंडिंग है। सेकेंड, सराउंडिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स आपका मिलकर के बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। टाइप्स ऑफ सिस्टम, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन सिस्टम। अ सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी
विद सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, ओपन सिस्टम है, जैसे चाय का कप, उसमें से हीट भी बाहर निकल रही है, मैटर भी एवोपरेट होकर के निकल रहा है। तो एग्जांपल है वाटर इन ओपन वेसल, टी इन कप, एनी रिएक्शन इन ओपन, तो ओपन सिस्टम का ये एग्जांपल है। दूसरा है क्लोज सिस्टम। इफ अ सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग बट डज नॉट मैटर, इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है। जैसे कोई मेटलिक वेसल है, उसे ढक करके रख दो बंद करके, तो मेटलिक सरफेस से हीट एक्सचेंज हो जाती है। ये हो गया क्लोज सिस्टम। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। इफ अ सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। वाटर इन इंसुलेटेड थर्मस, ये थर्मस इसका एग्जाम्पल है, जिसमें से ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना मैटर, वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। इस तरह दिखा सकते हैं इसको। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज इन पीवीटी। जो स्टेट ऑफ सिस्टम है उनको हम डिस्क्राइब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से करते हैं, ये स्टेट ऑफ सिस्टम है। नोट, दीज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। इन पीवीटी को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच दिस स्टेट हैज बीन ऑब्टेन्ड। और अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी अ स्टेट फंक्शन इफ द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस डिपेंड only upon initial state and final state of the system and does not depend upon the path or route by which this change has been brought about। जो आपका state function है वो initial और final value पर depend करता है, path पर नहीं। initial state और final state, पहले क्या था बाद में क्या था, इस बात पर डिपेंड करता है। किस वजह से वो इनिशियल से फाइनल पहुंचा, किस तरह पहुंचा, इस पर डिपेंड नहीं होता। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, द सिस्टम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में आएंगे। नोट, थर्मोडायनामिक्स डज नॉट डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स बट डील्स विद मैटर इन बल्क। थर्मोडायनामिक्स में किसी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस नहीं होता, उसकी स्टडी नहीं होती, बल्कि पूरे मैटर का बल्क में, बल्क माने पूरा की पूरा, पूरे मैटर का अध्ययन होता है, स्टडी होती है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट एटसेट्रा। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये दो तरह के होते हैं प्रॉपर्टीज, एक तो होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी,
these are those properties which depend upon the quantity of the matter. Extensive property वो होती है जो matter की quantity पर depend है, जैसे mass, volume, heat, capacity, internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम, ये है सब extensive properties. अब पढ़ेंगे intensive properties क्या होती है. It depend only upon the nature of the substance and the independent of the amount of the substance present in the system. Intensive property ये सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर नहीं. टेम्परेचर, जैसे एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी. ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट है. अब देखिए एक्सटेंसिव या इंटेंसिव हमें कैसे पता चलेगा. तो अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव से ही डिवाइड हो रही है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिजल्टेंट होगी. ये इसका एक कॉमनली समझने का तरीका है. जैसे मोल्स ऑफ कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल ऑफ कंपाउंड और टोटल नंबर ऑफ मोल है. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, अ सिस्टम सेट टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा डू नॉट चेंज विद टाइम. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेट टू अकर व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एग्जाम्पल नंबर एक, आइसोथर्मल प्रोसेस. व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो. एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ सच मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और वाइस वर्सा, द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग. सी आइसोबैरिक, सॉरी आइसोकोरिक. इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. जिसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है उसे आइसोकोरिक बोलते हैं. आइसोबैरिक प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर ऑफ सिस्टम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट हो. अब देखो तीनों को ये इस तरह दिखा सकते हैं. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ अगर हम लिए ले तो आइसोबारिक आप देखिए इस तरह दिखाएंगे. ये आइसो, ये आइसोकोरिक इस तरह, आइसोबारिक इस तरह और आइसोथर्मल ये और एडियाबेटिक ये. तो प्रेशर वॉल्यूम में इस तरह हम शो करते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन फाइनाइट स्टिमुली स्लोली दैट ऑल चेंजिंग इन डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड एंड द सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस.
तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो है कि अगर ये कैरिड आउट हो तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। कैसे रहेगा कि इतना छोटा छोटा चेंज किया जाए प्रेशर में कि हर बार वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे ये पिस्टन दिखाया है, इसके ऊपर रेत रख दी, फिर एक मॉलिक्यूल एक पार्टिकल हटाया, कुछ प्रेशर कम हुआ और बहुत जल्दी ही वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर एक पार्टिकल हटाया, या हम एक एक पार्टिकल करके डाल रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो हर बार अंदर और बाहर का प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस इस उल्टा है। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस विच इज नॉट कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली सो दैट द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड एंड एनी चेंज इन एनी एक्सटर्नल कंडीशन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत तेजी से होते हैं और वो एकदम से इक्विलिब्रियम में नहीं आते, एकदम से बहुत वेट रख दिया या प्रेशर बहुत कम कर दिया, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। नोट, इट इज इंस्टेंट प्रोसेस इज कैरिड आउट रैपिडली, ये बहुत तेजी से हो जाते हैं। इंटरनल एनर्जी, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद अ सब्सटेंस और सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं और तो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, न्यूट्रॉन एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारी एनर्जी मिलाकर के होती है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को हम पर्टिकुलरली अलग अलग तो इसको देख नहीं सकते, ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम टोटल चेंज को यहां पर कैलकुलेट करेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे कि पहले और बाद में कितना रहा। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, या डेल्टा यू इक्वल टू प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। वर्क, वर्क इज सेट टू हैव बीन डन वेन एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि वर्क डन वो है कि जहां जिधर फोर्स लगाई जा रही है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे पहले आप पढ़ चुके हो। तो वर्क W इक्वल टू होता है एफ एस, अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा है डेल्टा L, तो एफ इंटू डेल्टा L इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फोर्स क्या है कि प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, इसकी वैल्यू रख देंगे फोर्स की, तो आपकी फॉर्मूला बनेगा प्रेशर एक्सटर्नल ए इंटू डीएल, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो हो जाएगा वर्क इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डी। डी भी क्यों लिखा, क्योंकि जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम फाइनल का कम हो जाएगा, इसलिए यहां माइनस आया है। इफ द गैस एक्सपेंड फ्रॉम वी वन टू वी टू, गैस एक्सपेंड हो रही है तो देन टोटल वर्क डन
वर्क इक्वल टू, और पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को इंटीग्रेट कर देंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी वन से वी टू, तो पी एक्सटर्नल होगा वी टू माइनस वी वन, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन के समय नेगेटिव होगा। आइडियल, अब आइडियल गैस के लिए क्या होगा, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस का फॉर्मूला, तो पी इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी, अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे एनआरटी अपॉन वी को, तो जो प्रेशर है इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, और माइनस आएगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो एनआरटी कॉन्स्टेंट है ये सब बाहर ले लेंगे इनको, और वॉल्यूम चेंज क्या होगा V2 अपॉन V1, इंटीग्रेट करने के बाद जो 1 अपॉन V dV क्या होगा N, यानी log V2 अपॉन V1, जैसे इस साइड में हमने यहां ये दिखाया है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1 इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला में पढ़ा है, जैसे हमने राइट साइड में दिखा रहे हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 की जगह हम क्या रख सकते हैं P1 अपॉन P2। हियर साइन नेगेटिव इंडिकेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर V1 ज्यादा है V2 से तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऐसे हम लिख सकते हैं नेगेटिव। फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं होता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू, एनर्जी प्लस वर्क डन, तो डब्ल्यू आपको मालूम है माइनस पी एक्स, पी एक्सटर्नल डीवी होता है, वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा Q माइनस जीरो इंटू डीवी, क्योंकि वॉल्यूम यहां पर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं है जीरो है, तो डेल्टा U इक्वल टू Q आ जाएगा इसमें, वॉल्यूम जितना वॉल्यूम रहेगा। V in QV denotes that heat is supplied at constant volume. तो यहां V क्या दिखा रहा है कि constant volume में heat supply की गई है। Isothermal and free expansion of the ideal gas. For isothermal expansion of the ideal gas into vacuum, तो W equal to हो जाएगा P external dV, पहले से ही पता है अगर external zero है तो work done zero हो जाएगा, तो free expansion में work done zero होता है। अब internal energy कितनी रहेगी, delta U equal to Q plus W, ऐसा क्यों लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, हीट जो सिस्टम की है और इसमें जो वर्क डन किया गया है, इसको मिला करके इंटरनल एनर्जी उसकी कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा यू जीरो है तो आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन। जूल डिटरमाइंस एक्सपेरिमेंटली दैट क्यू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो,
equal to minus P external volume final minus volume initial minus nRT log volume final upon volume initial equal to minus 2.03 nRT log P final upon V initial. For adiabatic change Q equal to 0 क्योंकि हीट चेंज नहीं होता वहां से, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस डब्ल्यू वर्क डन, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू यानी वर्क डन एडियाबेटिक कंडीशन में. अब यहां तक है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.